हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेविड वैष्णवी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चाप की रेसिपी, कि बिना तंदूर के घर में तंदूरी चाप कैसे बनाई जा सकती है बहुत ही इजीली। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि मैं जितनी भी वीडियोज़ पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है चाप, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जितनी आपको लेनी हो। थोड़ी सी टमाटर, प्याज, मलाई है ये, और ये अमूल की दही लिया है मैंने, लो फैट दही ये लिया है मैंने। थोड़ी सी पिसी हुई हरी मिर्च ली है। चाप को बॉईल करेंगे, मैंने गैस पे गर्म पानी रखा है। चाप को डाल देंगे इसमें। हम चाप को 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। जब वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तब उसे पानी में से निकाल देंगे। चाप बॉईल हो रही है, हम इसको मैरिनेट करने वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी कैसे बनता है वो। आप एक बाउल में दही लेके उसमें आपको अपने सारे मसाले ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इसको भी, आपको कैसा खाना है। और इसके बाद मैंने ऐड किया है थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, और कोरिएंडर पाउडर के बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला। अगर आपको गर्म मसाला ज़्यादा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से किसी भी मसाले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ आई एम एडिंग ग्रीन चिली पेस्ट। मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे मलाई। यहाँ पे मैं जो मलाई ऐड कर रही हूँ ये घर की ही मलाई है, दूध गर्म करके रखती हूँ, जो वो ठंडा हो जाता है उसके ऊपर मलाई आती है, मैं वही फ्रेश मलाई यूज़ कर रही हूँ। आप बाहर की भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मलाई ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें डालना चाहें तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बटर नहीं खाते हैं इसलिए मैंने इसमें बटर ऐड नहीं किया है। तो अब ये अच्छी तरह रेडी हो चुका है, और अब हम अपनी चाप को देख लेते हैं। एक बार वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है, पानी को हम ड्रेन आउट कर देंगे, चाप को निकाल लेते हैं बाहर हम इसमें से। चाप हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी थी, जैसे कि आपने देखा हमने पानी भी निकाल दिया। अब हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें चाप का साइज़ रखना है छोटे पीसेस में बड़े पीसेस में, हम इन्हें जो ये मैरिनेट तैयार किया था इसमें हम कट कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। हमने जो इसका मैरिनेट तैयार किया था हम चाप में इसको मिक्स करके 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जितने भी हमने इसमें मसाले डाले हैं ना वो उन सबका टेस्ट चाप में अच्छी तरह आ जाए। अब हम अपना दूसरा मसाला तैयार करते हैं। एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में एक ऑयल डालेंगे, मैंने यहाँ पे लिया है मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है जीरा, जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें जीरा ऐड करना है। और अब मैंने कुछ अनियंस ऐड किए हैं। तो मैं यहाँ पे जो चाप बना रही हूँ वो हम दो लोगों के लिए बना रही हूँ, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। अगर आप ज़्यादा हैं तो आप उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और कम है तो डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने इसमें ऐड किए हैं टोमेटोज़ ऐड किए हैं, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया था, रेडीमेड ही घर में नहीं बनाया था मैंने, बाहर से मंगवा के वही ऐड किया था। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वही सब अपने जो मसाले उसमें मैंने ऐड किए थे वही सब ऐड कर रही हूँ, लाइक कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, यही सब ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले को। ऑलमोस्ट हमारी 80% प्रिपरेशन डन हो चुकी है, प्रिपरेशन क्या बन ही चुकी है 80%। तो अब हम लेंगे ये, आपके पास कोई और स्टिक हो ले सकते हो, मेरे पास OTG है, ओवन टोस्टर ग्रिलर, तो मेरे पास ये रखा हुआ है, मैंने ये यूज़ कर रही हूँ मैं चाप को गैस पे ग्रिल करने के लिए। तो चलो तैयार करते हैं। उसका जो दूसरा मसाला था वो भी मैंने आपको दिखा, टमाटर जो भी डालना था जो भी मसाले डालने थे वो मैंने आपको दिखा दिया है। उस मसाले का क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी।
और अगर आप शिमला मिर्च ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हो, वो ऑप्शनल है, मैंने नहीं किया है। हम अब उस स्टिक में चाप के पीसेस को लगा के गैस पे भूनेंगे अच्छी तरह। हमें इसमें बटर लगाना है बाद में, जैसे स्टिक में हमने चाप के पीस लगा लिए, इसके ऊपर बटर स्प्रेड करना है अच्छे से, लेकिन मैंने नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया हम बटर नहीं खाते, इसलिए मैंने नहीं लगाया। आप लोग लगा लें, उससे टेस्ट और अच्छा आता है। चाप हमारी सारी ग्रिल हो चुकी है, देखो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। हमने जो प्याज टमाटर का मसाला बनाया था उसमें हम इस चाप को मिक्स करेंगे। ये चाप एक नंबर की, बाहर जाने जरूरत नहीं पड़ती। बाहर की चाप खाने की टाल करो, घर में बनाओ, अपने आगे चीज बनेगी अच्छी बनेगी। चाप हमारी रेडी है, आप इसको इसके ऊपर क्रीम डाल के इसको सर्व कर सकते हैं अपने गेस्ट को। अगर आपको चाप की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और घर पे ट्राई करके जरूर देखना और मुझे कमेंट में बताना जरूर कि कैसी बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।